सबसे पहले तो हम इसको देखते हैं ये फटा कहाँ कहाँ पे। चले गाइस, तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं हम पूरी कोशिश कर रहे हैं इसे जोड़ने की, क्योंकि पहले भी इसमें खदशा था कि ये नहीं उड़े, लेकिन हम इसे उड़ा के ही रहेंगे। हम इसकी पूरी कोशिश करेंगे इसे उड़ाने की, ठीक है। ये बस मैं लेके आ रहा था इधर उड़ाने के लिए, तो ये रास्ते में हवा चली गई और फट गया। तो अब ये आपके सामने जोड़ते हैं। अगर आपका भी कोई गुड़ा फट जाए जितनी मर्जी आ जाए तो वो आप रिपेयर कर सकते हैं उसे उसे ऐसे ही फालतू में ना फेंक दें, किसी ना किसी के काम तो आएगा ही ना वो। तो अभी अपने गुड़े को जोड़ लिया करें, चाहे टेप लग जाए, जितनी टेप लगेगी उतना ज़्यादा गुड़ा भारी होगा, तो आपका पेचा भी उतना ही अच्छा जाएगा। तो अब जैसे कि मैं इस साइड पर लगा रहा हूँ तो ये वाली साइड भारी हो जाएगी, तो अब थोड़ा सा वजन आपने इस साइड पर भी ऐड करना है, ठीक है। अभी हम अपनी पूरी ट्राई करेंगे इसको उड़ाने की भी। तो गाइस इस साइड से तो मैंने जोड़ लिया, ठीक है, इस साइड से मैंने अपना जोड़ लिया। अब आपने क्या करना है, इधर आपका ज़्यादा वजन है, आपने इस साइड पे कोने में ना टेप थोड़ी बहुत लगा देनी, इससे आपके ये वाली साइड मजबूत भी हो जाएगी और पक्की भी रहेगी, ठीक है, क्योंकि वजन ज़्यादा हो गया ना, इसलिए थोड़ी सी इधर टेप लगा दें, एक हॉरिजेंटल लगा दें, एक वर्टिकल आप लगा दें थोड़ी ज़्यादा करके, ठीक है। और अगर बैलेंस का आपने देखना है ना कि बैलेंस है या नहीं, तो आपने क्या करना, मैं आपको बताता हूँ। आपने गुड़े को पकड़ना यूं, ये जो तनों से, और ये देखो, ये देखिए अभी एक साइड पे बैलेंस नहीं है, ये देखिए गुड़ा एक साइड पे गिर रहा है। तो इसी तरह आप इसमें वेट ऐड करते जाना इधर तक जब तक ये गुड़ा बैलेंस नहीं हो जाता, ठीक है। बेशक आप यहाँ कोई थोड़ी सी डोर जमा करके इधर इस साइड पर डोर भी लगा लें इस साइड पर, ठीक है। तो अभी मैं बैलेंस बराबर करने की कोशिश करता हूँ, देखें होता है या नहीं।
तो गाइस अभी तक तो हमने ये रिपेयर कर ही लिया है, अगर हमें ड्यूरिंग द फ्लाइट कोई मसला पेश आया तो हम इस साइड में फिर भी बैलेंस ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो बस